हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की कि कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह के होते हैं और इसमें उनमें आपस में क्या स्पेशलिटी होती है और कौन से नेटवर्क किन जगहों पे यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर नेटवर्क, और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर, ठीक है, या क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कह सकते हैं आप, ठीक है। नाउ वी कम टू द पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो देखिए, पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि इसमें कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रहते हैं या जो नंबर ऑफ कंप्यूटर रहते हैं, दे आर कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन और डिवाइसेस एंड ऑल द वर्क स्टेशंस आर कंसिडर्ड एज इक्वल। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए, ऐसे एक वर्क स्टेशन ये है, वर्क स्टेशन मतलब कंप्यूटर, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, और से सपोज कीजिए एक ये है। तो इसमें जितने भी वर्क स्टेशन है, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये सब आपस में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक मेन कंप्यूटर है, ठीक है, जब वो अलाउ करेगा तभी शेयरिंग होगी, या ऐसा नहीं है कि किसी एक कोई एक मेन कंप्यूटर है जिसके पास सारा डेटा और फाइल्स हैं, वहीं से हमें इन्फॉर्मेशन करनी है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है, कोई भी डेडिकेटेड सर्वर या कोई भी एक कंप्यूटर जो है मेन नहीं होता है, सर्वर नहीं होता। यहाँ पे सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वो डाटा और फाइल्स की शेयरिंग कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ऑल द वर्क स्टेशंस आर ऑल द वर्क स्टेशन, जहाँ पर भी जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, ऑल द वर्क स्टेशंस आर इक्वल, सारे जो है एक समान है। इसमें क्या होता है कि एनी, इसमें से कोई सा भी कंप्यूटर, एनी वन कंप्यूटर कैन सर्व एज क्लाइंट और सर्वर एट एनी इंस्टेंट। मतलब किसी भी टाइम, देखिए पहले आपको हम ये बता दें कि क्लाइंट और सर्वर ये क्या होता है। देखिए, सर्वर मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो भी डाटा चाहिए, फाइल्स चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी, तो हु प्रोवाइड्स दैट इज कॉल्ड सर्वर एंड हु रिक्वेस्ट फॉर दैट दैट इज कॉल्ड क्लाइंट। तो पहले ये चीज़ आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमने कहा वर्क स्टेशन नंबर 4 को अगर कोई डेटा चाहिए, किससे, वर्क स्टेशन नंबर 2 से, ठीक है, तो 4 अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा और 2 वहां से वो डेटा भेजेगा। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 4 कैसे काम करेगा, 4 काम करेगा क्लाइंट की तरह और 2 काम करेगा उस समय सर्वर की तरह। तो लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं है। मान लीजिए कुछ समय के बाद इसका उल्टा हो गया, मान लीजिए 2 को किसी फाइल की जरूरत है या किसी डाटा की जरूरत है, तो इसने रिक्वेस्ट भेजा 4th को और 4 जो है वो फाइल या डाटा 2 को भेज रहा है। तो एट दैट टाइम 4 जो है आपका सर्वर की तरह काम कर रहा है और 2 जो है क्लाइंट की तरह काम कर रहा है। तो मेन इसमें एक चीज यही ध्यान रखने वाली है कि कोई भी इसमें डिफाइंड सर्वर या क्लाइंट नहीं होता है। मान लीजिए कि कंप्यूटर 1 को किसी डाटा की जरूरत है, किससे, कंप्यूटर 3 से, तो उस समय कंप्यूटर 1 जो है इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, तो उस समय 1 कैसे एक्ट करेगा, एज ए क्लाइंट, एज ए क्लाइंट, और कंप्यूटर नंबर 3 जो है उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके जो भी डाटा उसको चाहिए था वो उसको भेज देगा, ठीक। तो उस समय 3 कैसे बिहेव करेगा, एज ए सर्वर। तो वो ये कह रहा है यहाँ पे कि सॉरी, यहाँ पे कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है, सारे वर्क स्टेशन इक्वल होते हैं और किसी भी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एनी कंप्यूटर कैन एक्ट एज ए सर्वर एज वेल एज ए क्लाइंट।
तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कोई भी कंप्यूटर क्लाइंट या सर्वर की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जनरली तो इस तरह के जो पीयर टू पीयर नेटवर्क हैं ये जनरली यूजफुल होते हैं होम ऑफिसेज में, या ये आप कह सकते हैं होम नेटवर्क में, होम नेटवर्क में ये यूज होते हैं, या जहाँ पे स्मॉल बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है, स्मॉल बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, चाहे फैक्ट्री है, ऑफिस है, कुछ भी है, वहाँ पे ये यूज होता है, या और आप कह सकते हैं कि स्मॉल शॉप्स है वहाँ पे भी यूज हो सकते हैं। तो जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है वो मीडियम साइज के बिजनेस, होम ऑफिसेज, इन सब जगहों पे यूज होते हैं। ठीक, अब आप आ जाइए सेकेंड टाइप पे। सेकेंड क्या है आपका, क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो ये एक तरह से बड़ा नेटवर्क हुआ, बिग ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, और इसमें क्या खास बात होती है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, देखिए क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि द क्लाइंट सर्वर मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाई एंड सर्वर्स सर्विंग क्लाइंट्स कंटिन्यूअसली ऑन ए नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग देम विद स्पेसिफिक सर्विसेज अपॉन रिक्वेस्ट। तो पहली बात तो इसमें क्या होता है कि इसमें डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, हाई एंड सर्वर्स। हाई एंड सर्वर का मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर एज ए सर्वर काम करते हैं वो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग कंप्यूटर होते हैं। पावरफुल और स्ट्रांग का मतलब कि उनकी स्पीड हाई होती है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है, ये सब हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर में आप जाइए जहाँ मैंने मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सारे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सब पढ़ाया हुआ है, तो उसकी मैं लिंक आपको डाल दूंगा इसमें। हालांकि आप चैनल पे जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे कंप्यूटर वाली, तो ये सारे आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि जो हाई एंड सर्वर होते हैं और जिनका काम यही होता है कि जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजेगा जिस भी चीज़ की, डेटा की, इंफॉर्मेशन की, पर्टिकुलर टाइप में इंफॉर्मेशन की, जो भी है, तो ये जो सर्वर है वो क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड सर्विस टू दियर क्लाइंट्स। ठीक है, अब इसमें जो सर्वर होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ द सर्वर इज गिवेन। जैसे पहला हो गया आपका फाइल सर्वर, या आप इसको टाइप फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या काम करता है कि इट कैन बी यूज टू स्टोर द क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल सेंट्रली। एन आइडियल फाइल सर्वर शुड हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, फास्ट हार्ड डिस्क, मल्टीपल प्रोसेसर्स, फास्ट नेटवर्क अडाप्टर्स, रिडंडेंट पावर सप्लाईज। ठीक, तो जो फाइल सर्वर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं पे स्टोर होते हैं, जितने भी उनके क्लाइंट्स होते हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेंट्रली स्टोर रहते हैं, सेफ रहते हैं। फिर जब जो क्लाइंट जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ से, यहाँ अपनी रिक्वेस्ट भेजता है और फाइल सर्वर वो पर्टिकुलर डाटा, वो पर्टिकुलर फाइल क्लाइंट को भेज देता है। तो इसीलिए उसने कहा है कि फाइल सर्वर के में ये स्पेशलिटी होनी चाहिए। सबसे पहला क्या उसने क्या बोला कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, इसकी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होनी चाहिए। सेकंड क्या है, इसमें जो हार्ड डिस्क होनी चाहिए वो फास्ट होनी चाहिए ताकि डाटा भेजने में या इंफॉर्मेशन भेजने में ज़्यादा टाइम न लगे। थर्ड उसने क्या कहा है कि मल्टीपल प्रोसेसर होनी चाहिए, वो भी इसी के लिए ताकि जितनी भी रिक्वेस्ट आए वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए, तो मल्टीपल प्रोसेसर होने चाहिए। फोर्थ उसने कहा है कि क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फास्ट नेटवर्क अडाप्टर होने चाहिए इसके अंदर, फास्ट नेटवर्क अडाप्टर, ताकि नेटवर्क से इसका कम्युनिकेशन तेजी से हो सके, फास्ट। और पांचवा क्या है कि पावर सप्लाई, तो वो तो आपको मालूम है कि पावर सप्लाई विदाउट ब्रेकडाउन के होनी चाहिए, तो रिडंडेंट पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी तो होनी चाहिए फाइल सर्वर में ताकि क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को इजीली और फास्टली प्रोसेस किया जा सके। ठीक, उसके बाद सेकेंड आप आ जाइए, सेकेंड है आपका प्रिंटर सर्वर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंट सर्वर। प्रिंट सर्वर इसका क्या काम होता है
इट सिंपली इट रिडायरेक्ट्स प्रिंट जॉब्स फ्रॉम क्लाइंट्स टू स्पेसिफिक प्रिंटर। तो प्रिंट सर्वर क्या करता है कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने कहा ये एक प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक, और कई क्लाइंट्स हैं, मान लीजिए कई वर्क स्टेशन इसको प्रिंटिंग जॉब जो है भेज रहे हैं, प्रिंट करने के लिए फाइलें भेज रहे हैं। तो अब यहाँ पे कोई ना कोई एक सर्वर चाहिए होगा जो इन रिक्वेस्ट को मैनेज करेगा, ठीक है, कि किसकी फाइल पहले जाएगी प्रिंट होने के लिए, किसकी फाइल बाद में जाएगी, किसको वेट कराना है, किसको होल्ड में डालना है, प्लस ये प्रिंटर जिस तरह के फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकता है वो इसी फॉर्मेट पे ये प्रिंट के होने के लिए फाइलें आ रही हैं कि नहीं। तो ये जो प्रिंट सर्वर है ये रीडायरेक्ट्स करता है जॉब को, इट रीडायरेक्ट्स द जॉब ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम क्लाइंट्स टू स्पेसिफिक प्रिंटर। तो केवल एक ही प्रिंटर नहीं, मान लीजिए हमने कहा से दो प्रिंटर लगे हुए हैं, तीन प्रिंटर लगे हुए हैं, ठीक, 1 2 3। अब मान लीजिए ये जो क्लाइंट वन है इसने भेजा प्रिंटर नंबर 3 के लिए, इसने भेजा 2 के लिए, इसने भेजा 1 के लिए, इसने 3 के लिए, इसने 2 के लिए, तो हु विल टेक केयर ऑफ दिस कि कौन सा जॉब किस प्रिंटर पे जाना है, ठीक है। तो इन सब के लिए एक यहाँ पे प्रिंटर सर्वर लगा होता है जो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, ठीक। चलिए उसके बाद ये हो गया, अब आ जाइए थर्ड पे, एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है, एप्लीकेशन सर्वर ये करता है विच अलाउ अलाउज क्लाइंट्स टू रन सर्टेन प्रोग्राम्स ऑन द सर्वर एंड एनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू कॉमन एप्लीकेशंस अक्रॉस द नेटवर्क। देखिए एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है कि जैसे आपको अभी हमने कहा साहब ये नेटवर्क है, नेटवर्क आप मान के चलिए, और ये इसके साथ डिफरेंट क्लाइंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये सर्वर है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए क्लाइंट 1 2 3 4, अब ये क्लाइंट 3 जो है कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कराना चाह रहा है, फिर मान लीजिए सपोज कीजिए ये कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कराना चाह से ये एडोबी फोटोशॉप यूज करना चाह रहा है, ये जो 2 है ये एमएस वर्ड यूज करना चाह रहा है, 1 जो है वो पावर पॉइंट यूज करना चाह रहा है, फोर्थ जो है वो सी प्रोग्रामिंग करना चाह रहा है। मतलब कोई पर्टिकुलर क्लाइंट जिस एप्लीकेशन को रन कराना चाह रहा है वो ये एप्लीकेशन सर्वर उसको अलाउ करता है, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन कर सकती है इस समय कि नहीं, या उसको वेट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सर्वर लुक आफ्टर करता है। अब आप आ जाइए चौथे पे, डाटाबेस सर्वर क्या होता है। इसके पहले आपको सबको पता होना चाहिए कि डाटाबेस क्या होता है। सिंपली देखिए, जो हम लोग डाटा, भाई डाटा मतलब कि किसी, मान लीजिए हमने कहा कि एक कॉलेज के किसी स्टूडेंट का हम डेटा ले आए, डेटा मतलब नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, किस क्लास में है, कौन से सेक्शन में है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये तो डेटा हो गया। और ऐसे मान लीजिए एक कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 10,000, तो उन 10,000 स्टूडेंट्स का जो नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, ये सब जो आप रखेंगे 10,000, तो वो पूरा जो कलेक्शन है वो कहलाता है डाटाबेस। मतलब आसान लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस, ठीक। तो डेटाबेस सर्वर क्या करता है, जो भी डेटाबेस अवेलेबल है क्लाइंट्स के पास, ठीक है, उनको उनके अंदर जो भी ऑपरेशन, जैसे डेटाबेस देखना है, व्यू करना है, ठीक, मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, ठीक है, कुछ डिलीट करना है एग्जिस्टिंग डेटाबेस में, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें व्यू करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, इन सब को का टेक केयर कौन करता है, डेटाबेस सर्वर करता है। अब उसमें ऐसा नहीं, क्या उसमें क्या देखना रहता है, देखना ये रहता है मान लीजिए कोई क्लाइंट हमारा है C1, अब उसने कोई टेबल T1 में अपना डाटा डाला हुआ है, और दूसरा क्लाइंट C2 C3 C4 ये सब भी नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि C2 अगर नेटवर्क से जुड़ा है तो वो जाके T1 टेबल में कुछ चेंजेस कर देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं होगा T1 को एक्सेस करने के लिए, T1 टेबल को देखने के लिए वो ऑथराइज नहीं होगा। तो नहीं होगा या होगा या कर सकता है या नहीं कर सकता,
ये सब कंट्रोलिंग का काम डेटाबेस सर्वर करता है, ठीक है, कि कौन सा यूज़र किस डेटाबेस को यूज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, नया डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाई डेटाबेस सर्वर। अब उसके बाद एक और आता है आपका, उसके बाद आता है आपका डायरेक्टरी सर्वर्स, नेक्स्ट इज डायरेक्टरी सर्वर्स, डायरेक्टरी सर्वर्स। देखिए डायरेक्टरी सर्वर क्या होते हैं कि इट अलाउज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूजर एंड रिसोर्सेज। मतलब डायरेक्टरी सर्वर जो होते हैं ये जितने भी नेटवर्क पे यूजर जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं आप, और जितने भी रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं, रिसोर्सेज मतलब मान लीजिए प्रिंटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्कैनर जुड़ा हुआ है, कोई और डिवाइस जुड़ी हुई है, रूटर है, रिपीटर है, ये सब यूजर हैं, U1, U2, U3, U4, तो इन सब का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो ये डायरेक्टरी सर्वर ध्यान रखता है। इन सब का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का काम डायरेक्टरी सर्वर करता है, ठीक है। कुछ डायरेक्टरी सर्वर के मैं आपको नाम देता हूँ क्योंकि ये जो है इतनी कॉमन चीज़ नहीं है। जैसे एक तो है एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से, एक्टिव डायरेक्टरी। दूसरा है आपका NDS, NDS हो गया आपका नॉवेल डायरेक्टरी सर्विसेज, नॉवेल डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है। और है आपका एक फेडोरा डायरेक्टरी सर्वर, फेडोरा FEDORA, फेडोरा डायरेक्टरी सर्वर, डायरेक्टरी सर्वर। और है आपका एक ओपन LDAP। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं डायरेक्टरी सर्विसेज के, ठीक है। तो डायरेक्टरी सर्वर का ये काम होता है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि सर्वर नीड्स ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन। सर्वर को रन करने के लिए या फंक्शनिंग के लिए एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एक आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क को रन करा सके। अब आप पूछेंगे कि ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो देखिए जो मोस्ट पॉपुलर है वो एक तो है आपका विंडोज NT, ये तो आपने सुना विंडोज NT, ये नेटवर्किंग के लिए यूज होता है। विंडोज 2000, इसको भी आप नेटवर्क पे चला सकते हैं, विंडोज 2000। उसके बाद है आपका विंडोज 2003, ठीक है, विंडोज 2003। उसके बाद है आपका यूनिक्स है, यूनिक्स, फिर GNU, फिर नेक्स्ट और जो है आपका वो है लिनक्स, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हो गया आपका लिनक्स, फिर नॉवेल नेटवेयर, नॉवेल नेटवर्क नेटवेयर, ये सब वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्किंग के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्वर को रन कराना है और सर्वर इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेंगे। दीज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रोवाइड द सर्विसेज विच आर रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट कंप्यूटर। तो ये जो जो भी आपके सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो भी क्लाइंट उनसे रिक्वेस्ट करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।